वेलकम एंड गुड मॉर्निंग ऑल। इस लेक्चर में हम कुछ इम्पोर्टेंट कंजक्शंस हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं, इन सब का यूज समझेंगे कि इनका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, कब करते हैं। तो इनकी संख्या कुल 9 है जिन्हें हम समझने वाले हैं। शुरू करते हैं। ऐसे जो 9 है, एंड है, बट है, अल्दो दो हिंदी होती है यद्यपि, और निदर इधर और निधर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, बिकॉज एज सिंस, तीनों की हिंदी क्योंकि होती है, इफ अनलेस। तो इन नौ का हम यूज देखेंगे ठीक से। पहला है हमारा एंड। एंड का यूज कहाँ पे करते हैं? एंड एज कंजक्शन यूज करना है हमें, तो कंजक्शन ग्रुप में जब हम इसका यूज करते हैं तो ये सिमिलर स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करता है, जोड़ता है। एंड ज्वाइन सिमिलर स्टेटमेंट्स, सिमिलर स्टेटमेंट्स और सिमिलर आइडियाज को जोड़ता है। सिमिलर क्या होता है, देखिए, आई लव टू ईट केक, मैं केक खाना पसंद करता हूँ। आई लव टू ईट आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम खाना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे दोनों में पसंद किया जा रहा है तो इस सिमिलर स्टेटमेंट कहलाएगा। एक पसंद एक नापसंद हो तो सिमिलर नहीं कहलाता। दोनों ही पसंद किया जा रहा है तो यहाँ पे सिमिलर स्टेटमेंट है। इसको जोड़ेंगे किससे? एंड से। देखिए, आई लव टू ईट केक एंड आइसक्रीम, जोड़ दिया, दो सेंटेंस का एक सेंटेंस बन गया। और कंजक्शन यूज किया हमने एंड, क्यों? क्योंकि सिमिलर स्टेटमेंट्स थे। तो इस तरह से एंड का यूज का पहला उदाहरण हो गया, पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, वी शैल स्टॉप एट कोलकाता, हम कोलकाता में रुकेंगे। वी शैल स्टॉप एट पुडुचेरी, हम पुडुचेरी में रुकेंगे। अब दोनों क्या है, रुकने का है, सिमिलर स्टेटमेंट है, तो इसलिए इनको हम जोड़ बना सकते हैं, वी शैल स्टॉप एट कोलकाता एंड पुडुचेरी। तो यहाँ पे एंड जोड़ दिया है और दोनों को एक साथ कर दिया है और इस तरह से बन गया है, यूज हो गया है एंड। सिमिलर स्टेटमेंट्स को जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट वन इज बट। हिंदी तो सबको पता है, लेकिन होता है। इसका यूज कब करते हैं? इसका यूज सेंटेंसेस को ज्वाइन करने में तो करते ही हैं, लेकिन सेंटेंसेस होते हैं कंट्रास्ट वाले। कंट्रास्ट का मतलब अंतर होता है उनमें। जैसे अभी जो एंड में था, सेंटेंसेस सिमिलर स्टेटमेंट वाले थे, यहाँ पे अंतर नहीं था, लेकिन यहाँ पे अंतर रहेगा। अंतर कैसे रहेगा, देखिए, आई कॉल राम, जो पिंक कलर है उसे देखिए, आई कॉल राम, मैंने राम को बुलाया। ही वॉज नॉट होम, वह घर पर नहीं था। एक क्या है, राम को बुलाया, घर पर नहीं था। एक क्या है, अंतर है। एक अंतर तो यह हो गया कि यह पॉजिटिव सेंटेंस है या निगेटिव सेंटेंस है। राम को बुलाया तो क्या सोचकर बुलाया, कि राम होगा, लेकिन यह तो विषमता हो गई कि राम है ही नहीं वहां पे। तो इस तरह से जब अंतर वाले सेंटेंस होंगे उनको हम एंड से नहीं जोड़ सकते। आप इसको आई कॉल राम एंड ही वॉज नॉट होम, ये थोड़ा सा कम स्टैंडर्ड का सेंटेंस होगा। अगर इसके जगह पर हम बट लगा दें, आई कॉल राम बट ही वॉज नॉट होम, वह घर पर नहीं था, तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड हो जाएगा और उचित हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल, माई ड्रेस लुक्स ग्रेट, मेरा ड्रेस ग्रेट अच्छा दिखता है। माई ड्रेस इज अनकंफर्टेबल, दिखता तो अच्छा है, पहनने में आरामदायक नहीं है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कंट्रास्ट हो गया कि दिखने में अच्छा, पहनने में आरामदायक नहीं। जबकि क्या होना चाहिए, अगर ये सिमिलर स्टेटमेंट होता तो मेरा ड्रेस अच्छा दिखता और पहनने में कंफर्टेबल होता। तो यहाँ पे कंट्रास्ट है, अंतर है, विषमता है, इसलिए इसको बट से जोड़ेंगे। माई ड्रेस लुक्स ग्रेट बट इट इज अनकंफर्टेबल, यहाँ बट का यूज हुआ। आप ऐसे भी बट का यूज करते हैं, कुछ बोलते हैं, जैसे मैं पढ़ना चाहता हूँ बट आई हैव नो मनी। आप कहते हैं ना ऐसा कि आई वॉन्ट टू स्टडी बट आई डोंट हैव मनी। तो यहाँ पे क्या किया आपने, एक बोला अच्छा वाला, एक बोला खराब वाला। तो जब कंट्रास्ट की बात करेंगे तो वहां पे बट का यूज करेंगे, कंट्रास्ट नहीं होगा, सिमिलरिटी होगी, तो वहां पे एंड का यूज करेंगे। नेक्स्ट कम्स अल्दो और दो। जिधर भी आपको मर्जी करे अल्दो लगाइए, दो लगाइए, दोनों एक दूसरे की जगह पे कहीं भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। दोनों की हिंदी भी एक ही है यद्यपि।
अब इनका यूज करते किधर है, इनका यूज भी करते हैं कंट्रास्ट के सेंस में। जब कंट्रास्ट होता है तो हमने जैसे पीछे देखा कि बट का करते हैं, वैसे ही ऑल्दो दो का भी यूज करते हैं। कंट्रास्ट होता है सेंटेंसेस में तो उस तरह के सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम करते हैं ऑल्दो दो का। इसका मतलब यह भी है कि आप बट का भी प्रयोग कर सकते हैं, बट लगाकर देखेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ऑल्दो या दो लगाकर। तो यहाँ पे इट वॉज रेनिंग, बरसात हो रही थी। इट वॉज स्टिल हॉट, फिर भी ठंडी थी, फिर भी गर्मी थी। इट वॉज स्टिल हॉट मतलब फिर भी गर्मी थी। तो इसको यूज किया क्या किया, कॉन्ट्रास्ट है ना, बरसात हो रही है। तो बरसात होने पे क्या होती है कि नॉर्मली ठंड गर्मी कम हो जाती है, गर्मी खत्म हो जाती है, सुहाना सा लगता है, लेकिन यहाँ पे हॉट अभी भी है। तो एक कंट्रास्ट हो गया, सेंटेंस का जो स्टेटमेंट है मैच नहीं कर रहा है, कंट्रास्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम करेंगे यूज ऑल्दो का, चाहे दो का, क्योंकि कंट्रास्ट में करना होता है। तो ऑल्दो इट वॉज रेनिंग इट वॉज स्टिल हॉट, यद्यपि बरसात हो रही थी तो भी फिर भी गर्मी थी, यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे आपने ऑल्दो या दो का किया, जो पीछे पढ़ा कि बट का भी कर सकते हैं तो कर सकते हैं आप। इट वॉज रेनिंग बट इट वॉज स्टिल हॉट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कम स्टैंडर्ड हो रहा है, थोड़ा सा कम फॉर्मल सेंटेंस हो रहा है, तो वहां पे आप ऑल्दो लगा सकते हैं। लेकिन आप बट भी लगाए हैं तो अंतर नहीं है। तो इस तरह से ऑल्दो दो भी यूज करते हैं कॉन्ट्रास्ट के मीनिंग में। देखिए, द हाउस वॉज स्मॉल, घर छोटा था। इट वॉज वेल बिल्ट, वेल बिल्ट मतलब अच्छा से बना हुआ था। घर छोटा था, अच्छा से बना हुआ था, छोटा है मतलब यहाँ कमी दिखा रहे हैं और यहाँ पे अच्छा ही दिखा रहे हैं, कंट्रास्ट हो गया। तो ऑल्दो द हाउस वॉज स्मॉल इट वॉज वेल बिल्ट, यद्यपि घर छोटा था फिर भी यह अच्छा बना हुआ था। नेक्स्ट कम्स और की हिंदी सबको पता है। और को ज्वाइन कब करते हैं, और को दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं। डेफिनेटली कंजक्शन है, दो सेंटेंसेस ही ज्वाइन होगा। वर्ड्स की बात तो अभी कर नहीं रहे हैं, अब जानते हैं आप। वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए खाली एक ही कंजक्शन जो कि एंड है, और वो समाप्त हो गया है। हमने वहां पे सेंटेंस को ज्वाइन किया है जब इंट्रोडक्शन किया था शुरू में, डेफिनेशन के साथ एंड को कैसे ज्वाइन करता है वो बताया था कि एंड कैसे वर्ड्स को ज्वाइन करता है। अभी हम खाली सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहे हैं। तो और से दो सेंटेंसेस ज्वाइन होते हैं जो टू सो, फिर से पूरा सेंटेंस पढ़ता हूँ। वी यूज अ टू ज्वाइन सेंटेंसेस दैट सो टू डिफरेंट ऑप्शंस एंड वी हैव टू चूज वन। जब सेंटेंसेस टू डिफरेंट ऑप्शंस देते हैं, ऑप्शंस मतलब विकल्प देते हैं, और हमें उनमें से केवल एक चुनना होता है, तो हम कहते हैं कि वहां यूज करना चाहिए और। कैसे करना चाहिए देखिए, पहले तीनों वाक्य पढ़ लेते हैं। वुड यू लाइक टी, कि आप चाय लेंगे। वुड यू लाइक कॉफी, कि आप कॉफी लेंगे। वुड यू लाइक टी और कॉफी, कि आप कॉफी या चाय लेंगे। यहाँ पे देखिए जो है, वुड यू लाइक टी और कॉफी, तो क्या आप कॉफी या चाय लेंगे, अर्थात आप इनमें से कोई एक ही लेंगे। तो दो में से एक लेना है और एक चुनना है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया, और लगा दिया। और यही तो कह रहा है कि हम और का प्रयोग कब करते हैं, जब हमारे पास टू ऑप्शंस होते हैं। ध्यान रहे, टू से अधिक नहीं, टू ऑप्शंस रहेंगे और एक चुनना है, तो और लगाते हैं। तो वुड यू लाइक टी, वुड यू लाइक कॉफी को दोनों को जोड़ दिया और से, और जो मतलब वुड यू लाइक टी, वुड यू लाइक कॉफी का हुआ, वही मतलब आ गया वुड यू लाइक टी और कॉफी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टेक मी टू द बीच, मुझे बीच पर ले चलिए। बीच, नदी के किनारे को बीच बोलते हैं। मुझे बीच पर ले चलिए। टेक मी टू द होटल, मुझे होटल ले चलिए। अब टेक मी टू द बीच और द होटल, मुझे बीच पर ले चलिए या होटल ले चलिए, यहाँ पे क्या हुआ, दो में से कोई एक चुनना है, तो इसलिए और का यूज कर दिया। तो इस तरह से और का यूज कंप्लीट हुआ। नाउ कम्स इधर और निधर नॉर। इधर को आइदर भी पढ़ते हैं, निधर को नाइदर भी पढ़ते हैं, आपकी मर्जी जो पढ़िए। लेकिन इधर और का उल्टा निधर नॉर है, और निधर नॉर का अपोजिट इधर और है, ये ध्यान रखेंगे। दीज कंजक्शंस ऑलवेज यूज इन पेयर्स। पेयर्स मतलब एक साथ दो होते हैं, आप जानते हैं, कोरिलेटिव्स कहते हैं। जब हम पढ़े हैं
टाइप्स ऑफ कंजक्शंस, उसमें दूसरा नंबर जो टाइप है कोरिलेटिव्स या कोरिलेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं, दो होते हैं एक साथ में, पेयर में होते हैं। देखिए इधर और तो हो गया उधर, और यहाँ पे निधर नॉर दिख रहा है, तो ये पेयर में होते हैं। और किस लिए होते हैं? दे सजेस्ट अल्टरनेटिव्स, विकल्प सजेस्ट करते हैं, विकल्प ऑप्शन सजेस्ट करते हैं कि हमें कौन सा ऑप्शन यूज करना है। देखिए वी कैन गो टू स्पेन फॉर होलीडेज, हम छुट्टियों छुट्टियां मनाने के लिए स्पेन जा सकते हैं। वी शैल गो टू फ्रांस फॉर होलीडेज, हम छुट्टियां मनाने के लिए फ्रांस जा सकते हैं। दोनों को कनेक्ट किया आकर इधर और से, इधर और से कैसे हो गया, वी कैन इधर गो टू स्पेन और फ्रांस फॉर द होलीडेज, हम या तो फ्रांस या स्पेन या फ्रांस छुट्टियां मनाने जा सकते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, सॉरी सजेशन करना है, विकल्प चुनना है हमें। तो क्या कहा कि हम फ्रांस जाएंगे चाहे स्पेन जाएंगे, कोई एक जगह जाना है, तो इस तरह से इधर और का प्रयोग हुआ। अब निगेटिव होगा तो निगेटिव को हम निदर नॉर्स जोड़ते हैं, जैसे सुनीता इज नॉट इन द टीम, यहाँ पे निगेटिव आ रहा है, सुनीता टीम में नहीं है। निकिता इज नॉट इन द टीम, यहाँ भी निगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, निदर सुनीता नॉर निकिता इज इन द टीम। तो निगेटिव जब दो होते हैं ऑप्शंस, तो उनको हम जोड़ देते हैं निदर नॉर से, और ऐसे ही। नेक्स्ट कम्स बट ओनली, सॉरी नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, यह भी पेयर में ही यूज होता है और एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। यह जब एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है तो अब हम वहां पे यूज करते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो। देखिए जरा, और इसको जब हम बातचीत करते हैं फॉर्मली, औपचारिक बातचीत करते हैं, उसमें यूज करते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो को, क्योंकि अगर फॉर्मली यूज नहीं करना होगा तो हम यहाँ पे एंड भी लगा देंगे तो काम चल जाएगा। लगा कर देखेंगे, पहले नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा कर देखते हैं। द कार इज स्पेसियस, अधिक जगह वाला, जिसमें जगह होता है उसे बोलते हैं स्पेसियस, कार स्पेसियस है। द कार इज अफोर्डेबल, अफोर्डेबल मतलब सस्ती, तो कार स्पेसियस है, कार सस्ती है। दोनों को हम अगर जोड़ें एंड से तो कह सकते हैं आप द कार इज स्पेसियस एंड अफोर्डेबल, लेकिन ये फॉर्मल टॉकिंग नहीं है। फॉर्मल टॉकिंग क्या होगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो से थोड़ा सा स्टैंडर्ड अप कर देंगे अपने इंग्लिश का। जैसे द कार इज नॉट ओनली स्पेसियस बट ऑल्सो अफोर्डेबल, कार न केवल स्पेसियस है बल्कि सस्ती भी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो। एक इंफॉर्मेशन तो स्पेसियस का ही है, हाई ही, दूसरा अफोर्डेबल भी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गया, तो इसके लिए नॉट ओनली बट ऑल्सो, लेकिन दो होना चाहिए बस, दो से अधिक में हम नहीं यूज करेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो का। और आप जैसे देख ले कि एंड का भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मल टॉकिंग में नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल, सी फॉरगॉट हर आईडी कार्ड, आईडी मतलब आइडेंटिटी, वह अपना आइडेंटिटी कार्ड भूल गई। सी फॉरगॉट हर वैलेट, वह अपना वैलेट भी भूल गई। वैलेट की हिंदी क्या होती है, बैलेट की हिंदी होती है बटुआ। तो अब इसको हम एंड भी कर सकते थे, सी फॉरगॉट हर आईडी कार्ड एंड वैलेट, लेकिन यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाना है, तो सी नॉट ओनली फॉरगॉट हर आईडी कार्ड बट ऑल्सो हर वैलेट। इस तरह से नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज होता है। अब बोथ के साथ एंड का यूज होता है, हमने देखा है, पहले ही देखा है कि बोथ के साथ एंड का कंजक्शन के रूप में यूज होता है, यह देख चुके हैं जब हम पढ़ रहे थे कोरिलेटिव कंजक्शंस, तब ही। यहाँ पे भी पेयर में होते हैं, ये तो हम समझ ही रहे हैं, और यहाँ भी नॉट ओनली बट ऑल्सो का जैसा ही एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं बोथ और एंड मिलकर। देखिए फुटबॉल इज पॉपुलर इन कोलकाता, केरला, फुटबॉल इज पॉपुलर इन केरला, फुटबॉल केरला में लोकप्रिय है, पॉपुलर मतलब लोकप्रिय। फुटबॉल इज पॉपुलर इन वेस्ट बंगाल, फुटबॉल वेस्ट बंगाल में लोकप्रिय है। दोनों को हम अगर करें तो एंड से भी कर सकते हैं ना, फुटबॉल इज पॉपुलर इन कोलकाता एंड वेस्ट बंगाल, लेकिन हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसको और अच्छा करना है, तो हम इसको बोथ और एंड से भी जोड़ सकते हैं। फुटबॉल इज पॉपुलर इन बोथ केरला एंड
वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि हम दो की ही बात कर रहे हैं, थोड़ा सा अधिक फॉर्मल, अधिक स्टैंडर्ड का इंग्लिश हो रहा है जब हम बोथ और एंड का यूज करते रहे हैं। वेयर इज खाली एंड से भी काम चला सकते थे, मैं बताया आपको। तो जब हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देना होगा, अब क्या फुटबॉल पॉपुलर है केरला में, एक और इन्फॉर्मेशन है कि वेस्ट बंगाल में भी है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम बोथ एंड का यूज कर लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है द बुक इज गुड, किताब अच्छी है। द फिल्म वॉज गुड, सॉरी द बुक वॉज गुड, किताब अच्छी थी। द फिल्म वॉज गुड, फिल्म अच्छी थी, दोनों को जोड़ सकते हैं। तो द बुक एंड फिल्म वर गुड, एंड से जोड़ सकते थे, लेकिन हम एंड से नहीं जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे बोथ और एंड से। बोथ द बुक एंड द फिल्म वर गुड, दोनों किताब और फिल्म अच्छे थे। तो इस तरह से बोथ और एंड का यूज होता है, आप ध्यान रखेंगे। अब है बिकॉज एज सीन्स, तीनों का मीनिंग है क्योंकि, आपको जिधर मर्जी उधर रख दीजिए, बिकॉज रख दीजिए, चाहे एज रख दीजिए, चाहे सीन्स रख दीजिए, तीनों की हिंदी होगी क्योंकि तीनों। देखिए यहाँ पे बिकॉज लिखा है और ब्रैकेट में एज सीन्स लिखा है, इधर एज लिखा है और ब्रैकेट में बिकॉज सीन्स लिखा है, मतलब आप कोई भी यूज करेंगे। तो यही कहना चाह रहा हूँ कि बिकॉज एज सीन्स तीनों की हिंदी एक ही है और किसी को कहीं भी यूज करिए। कब करते हैं, हमने देखा है ना, जब हम देख रहे थे सबॉर्डिनेट कंजक्शंस, उसमें देख रहे थे कि रीजन में आता है सबॉर्डिनेट कंजक्शंस, और डेफिनेटली रीजन बतलाने के लिए यूज करते हैं हम बिकॉज। आप क्वेश्चन का आंसर में लिखते हैं कि राम ने रावण को मारा, क्यों मारा, तो आप कारण बताते हैं, फिर कहते हैं, लिखते हैं कहानियां, फिर बोलते हैं क्योंकि, क्योंकि मतलब बिकॉज। एज सीन्स तो रीजन बताने में हम यूज करते हैं बिकॉज एज सीन्स का। एग्जाम्पल देखते हैं, शी स्पोक सॉफ्टली, वह धीरे धीरे बोली। शी स्पोक सॉफ्टली, शी डिडंट वांट टू वेक हिम, शी डिडंट वांट, वह नहीं चाहती थी टू वेक हिम, उसे जगाना, वह उसे जगाना नहीं चाहती थी। तो अब दोनों को हम मर्ज करते हैं, सेंटेंस को जोड़ते हैं, शी स्पोक सॉफ्टली बिकॉज, चाहे एज चाहे सीन्स कोई भी एक ही लेंगे, बिकॉज ले लेंगे। शी स्पोक सॉफ्टली बिकॉज शी डिडंट वांट टू वेक हिम, वह धीरे से बोली क्योंकि वह उसे जगाना नहीं चाहती थी। तो यहाँ पे बिकॉज आ गया ना कि धीरे क्यों बोली, क्योंकि जगाना नहीं चाहती थी उसको, तो बिकॉज क्यों, यहाँ बिकॉज का यूज करके दोनों को एक सेंटेंस बना देंगे। ऐसे ही आई वॉन्टेड टू ड्रिंक समथिंग फर्स्ट, मैं कुछ पहले पीना चाहता था, मैं पहले कुछ पीना चाहता था। आई वॉज थर्स्टी, मैं प्यासा था, तो मैं पीना क्यों चाहता था, ये रीजन बता रहा है क्योंकि प्यासा था। तो यहाँ पे आएगा बिकॉज एज सीन्स में से कोई एक आएगा, आई वॉन्टेड टू ड्रिंक समथिंग फर्स्ट एज आई वॉज थर्स्टी, मैं कुछ पीना चाहता था क्योंकि मैं प्यासा था। इस तरह से बिकॉज एज सीन्स का यूज करेंगे। अब है इफ और अनलेस, इफ की हिंदी होती है यदि, और अनलेस की हिंदी होती है इफ का उल्टा, यदि नहीं, कह सकते हैं ना कि इफ का अपोजिट अनलेस और अनलेस का अपोजिट इफ। अनलेस की दूसरी भी हिंदी है जब तक नहीं, आप सेंटेंस में आवश्यकता के अनुसार कोई एक हिंदी का प्रयोग करेंगे, जब तक नहीं करिए चाहे यदि नहीं करिए। डेफिनेटली आप पढ़े हैं, कंडीशन में पढ़े हैं कि इफ होता है, जब हम कंजक्शन पढ़ रहे थे सबॉर्डिनेट कंजक्शंस, तो वहां पे हमने इसको पढ़ा है कंडीशन के अंतर्गत, और डेफिनेटली इसे कंडीशन को हम शो करते हैं, कंडीशन को बतलाते हैं, शर्त को बतलाते हैं, शर्त को हम शो करते हैं। क्या है शर्त, कैसे, शी शुड सेंड इन हर एप्लीकेशन, सेंड इन मतलब भेजना, उसे भेजना चाहिए अपना आवेदन, उसे अपना आवेदन पत्र भेजना चाहिए। शी विल गेट द स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप मतलब छात्रवृत्ति, वह छात्रवृत्ति प्राप्त करेगी, विल गेट प्राप्त करेगी। तो क्या है, आवेदन भेजेगी तभी तो प्राप्त करेगी, तो यहाँ पे शर्त है, क्या शर्त है, इफ शी सेंड्स इन हर एप्लीकेशन, अगर वह अपना एप्लीकेशन भेजती है, इफ मतलब अगर, शी विल गेट द स्कॉलरशिप, उसे छात्रवृत्ति मिलेगी, तो उसे छात्रवृत्ति मिलेगी, तो को हम जोड़ लेंगे अपने से। दूसरा अनलेस,
यदि नहीं, she sends in her application, अपना application यदि नहीं भेजती है वह, she will not get scholarship, उसे scholarship नहीं मिलेगी। तो जब नहीं रहेगा तो देख लीजिए, unless लगा देंगे तो यदि नहीं आ जाएगा, तो यदि वह नहीं भेजती है तो नहीं मिलेगा, भेजती है तो मिलेगा। पहला में क्या है, यदि एप्लीकेशन भेजती है तो छात्रवृत्ति मिलेगी, दूसरा में अगर वो एप्लीकेशन नहीं भेजती है तो छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। बताया ना आपको कि इफ का अपोजिट अनलेस है, वैसे ही दूसरा, यू मस्ट फिनिश द असाइनमेंट, आपको असाइनमेंट फिनिश करना चाहिए, कार्य फिनिश करना चाहिए, अदरवाइज यू विल गेट अ लो स्कोर, नहीं तो आपको कम मार्क्स, कम स्कोर प्राप्त होगा, कम अंक प्राप्त होगा, नहीं तो आपको कम अंक प्राप्त होगा। दो सेंटेंस हो गया, अब दोनों को जोड़ेंगे किससे, इफ और अनलेस, दोनों से। पहले इफ से, इफ यू डोंट फिनिश द असाइनमेंट, अगर आप अपना कार्य फिनिश नहीं करते हैं, यू विल गेट अ लो स्कोर, तो आपको कम अंक मिलेगा। तो यदि लगा दिया, क्या है, आपको काम फिनिश करना चाहिए, नहीं तो आपको लो स्कोर मिलेगा, कह दिया। तो उसी चीज को, अगर आप काम फिनिश नहीं करते हैं तो आपको लो स्कोर मिलेगा, और अगर यदि नहीं, यदि नहीं कह देते हैं, यदि नहीं आप अपना असाइनमेंट यदि फिनिश नहीं करते हैं तो आपको लो स्कोर मिलेगा, दोनों एक ही है। तो यहाँ पे इफ और अनलेस का यूज देख रहे हैं आप। अब इतना ही है, पूरा 9 कंप्लीट हो रहा है, और इस तरह से आपने देख लिया सम इम्पोर्टेंट कंजक्शंस का यूज। थैंक यू वेरी मच।